शिव भक्तों के लिए संपूर्ण संसार में ऐसे शिव मंदिर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां एक बार शिव के दर्शन करने से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। शायद इसलिए हर साल इन मंदिरों में करोड़ों लोगों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती है। शिव दुर्गा मंदिर, मंगल महादेव बिरला कानन मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और भी ऐसे कई शिव मंदिर हैं जहां हर साल दर्शन करने के लिए करोड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लेकिन हम यहां बात करने जा रहे हैं भगवान शिव जी के एक ऐसे मंदिर की जहां उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव एक बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और अब वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं शिव जी के उस मंदिर के बारे में जानने के लिए जहाँ उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है, अर्थात तुंगनाथ मंदिर। तो आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर क्यों तुंगनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और क्या है उसके पीछे की कहानी। उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। यह केदारनाथ और बद्रीनाथ के करीब करीब मध्य में स्थित है। तुंगनाथ मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ आकर प्रत्येक मनुष्य तनाव को भूलकर यहाँ की शांति को महसूस करने लगता है। यहाँ के शांत माहौल का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुंगनाथ मंदिर को देखने के बाद आप इस मंदिर की सुंदरता को कभी भूल नहीं पाएंगे। तुंगनाथ मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचने के पश्चात प्रकृति का सानिध्य अलग ही अनुभव कराता है। यहाँ की यात्रा कुछ दुर्गम अवश्य है, परंतु इसका अनुभव पर्यटकों को रोमांचित कर देता है। यहाँ रास्ते में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर भी पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से आगे की यात्रा बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। ठंडी और ताज़ा हवाएं भक्तों को थकावट का अनुभव ही नहीं होने देती। तुंगनाथ पहुँचते ही चारों ओर तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों के दर्शन कर सारी थकावट दूर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पक्षियों की चहचहाहट और झरने से गिरता जल आपको क्षण मात्र में ही अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 12,000 फुट से ज़्यादा है। इसी कारण इस मंदिर के आसपास पहाड़ों पर बर्फ जमा रहती है। अन्य चार धामों की तुलना में यहाँ पर शिव भक्तों की भीड़ कुछ कम ही होती है। इसके बावजूद फिर भी हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। तुंगनाथ मंदिर के पीछे की कहानी। इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के विजयी होने पर पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का आरोप लगा। ऐसे में पांडव भ्रात हत्या पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना आवश्यक था, लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। पांडव उनके दर्शन के लिए काशी गए, पर वहाँ भी वे नहीं मिले। तब वे उन्हें खोजते हुए हिमालय तक जा पहुँचे, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान शिव केदारनाथ जा बसे, लेकिन पांडवों ने भगवान शिव से भेंट करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। वे उनका पीछा करते हुए केदारनाथ पहुँच गए। भगवान शिव ने जब तक बैल का रूप धारण कर लिया था, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया था। ऐसे में भीम ने अपने विशाल रूप को धारण कर दो पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, परंतु शंकर रूपी बैल भीम के पैर के नीचे से कैसे निकलते। भीम ने जैसे ही उस बैल को पकड़ना चाहा, वह धीरे धीरे जमीन के अंदर होने लगा। भीम ने बैल के एक हिस्से को पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देख भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए
तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है। जनवरी से फरवरी तक तुंगनाथ मंदिर पूरे तरह से बर्फ से ढका रहता है। आपको हमारे द्वारा तुंगनाथ मंदिर के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।